हेलो गाइस, वेलकम टू दी हिंदू एडिटोरियल ऑफ 25th जनवरी। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच मिनिस्टर हैज बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, ऐसे पार्टी है यहाँ पे। हाल ही में किस मिनिस्टर को यहाँ पे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में से निकाल दिया गया है? तो गाइज ये हैं आपके चार ऑप्शन यहाँ पे, और इस यहाँ पे हमारा जो सही उत्तर है वो है केपी शर्मा ओली को यहाँ से निकाल दिया गया है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में से। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है जिसको कि लीड किया जा रहा था यहाँ पे कमल प्रचंडा एंड दी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर माधव कुमार, इन्होंने एक्सपेल कर दिया है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है यहाँ पे नेपाल के पी शर्मा ओली को। और इसका उन्होंने कारण बताया कि ये बहुत ही इनका डिक्टेटोरियल जो बिहेवियर है उसकी वजह से इन्होंने को निकालने का फैसला किया है। और यहाँ पे जो ये पार्टी है इसमें अभी दो फैक्शंस बन गए हैं, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है इन्होंने किसी भी फैक्शन को मानने से इनकार किया है। मींस दो पार्टीज बन गई हैं और इलेक्शन कमीशन ने अभी किसी भी पार्टी को माना नहीं है। तो ये आप यहाँ पे न्यूज़ भी रीड कर सकते हैं, दी हिंदू का ये कटआउट है यहाँ पे न्यूज़पेपर का। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर है गाइज वो है ए। तो बढ़ते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चीफ इलेक्शन कमीशन लॉन्च्ड विच ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर द वोटर्स? यहाँ पे कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमीशन ने, आपको बताना है। यह है गाइस आपके चार ऑप्शंस, यहाँ पे आपका जो सही उत्तर है वो है ई एपिक। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इससे बेसिकली होगा क्या, इससे जो है वोटर्स जो है अब एबल होंगे, वोटर्स जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे अपना फोटो आईडी कार्ड ऑनलाइन। इससे बहुत ईजी हो जाएगा, और यहाँ पे मॉक ट्रायल्स भी हुए हैं यहाँ पे रिमोट वोटिंग प्रोजेक्ट के, जिससे कि यहाँ पे आप कटआउट में से रीड कर सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा जो है हमारे, उन्होंने ऑन संडे द ट्रायल्स ऑफ इलेक्शन कमीशन रिमोट वोटिंग प्रोजेक्ट वुड बी कैरिड आउट सून इन हिज टेलीविजन एंड रेडियो एड्रेस ऑन द इवनिंग ऑफ नेशनल वोटर्स डे। मिस्टर अरोड़ा हाईलाइटेड द विजन ऑफ इलेक्शन कमीशन गोइंग फॉरवर्ड। बेसिकली जो है ये ट्रायल्स हुए हैं रिमोट वोटिंग प्रोजेक्ट से, तो ये एक डिजिटल मूव है यहाँ पे। यहाँ पे हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं यहाँ पे सुनील अरोड़ा, उन्होंने इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। और ये प्लेटफॉर्म है, इस पे जो लॉन्च हो रहा है इसको बनाया जा रहा है यहाँ पे आईआईटी चेन्नई के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन रिमोट वोटिंग यूजिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी विद आईआईटी चेन्नई। और याद रखिएगा ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे आईआईटी चेन्नई, यहाँ पे इसका आंसर होगा, याद रखिएगा गाइस। तो यहाँ पे कटआउट भी है, आप इसको रीड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पे गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली जो बाइडेन टुक ओथ एज द 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एंड यहाँ पे हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो है यूएसए डिसाइड टू रीएंटर इनटू द पेरिस एग्रीमेंट। तो ये आपके दो स्टेटमेंट, ये गाइस आपके चार ऑप्शन, यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है बोथ वन एंड टू। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। रिसेंटली जो बाइडेन है उन्होंने ओथ ली यहाँ पे एज अ 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन वॉशिंगटन। एंड सेकेंड स्टेटमेंट है, जैसे ही वो प्रेसिडेंट बने तो गाइस उन्होंने अपने ऑफिस के पहले डे के दिन उन्होंने ये डिसीजन लिया कि यूएसए जो है फिर से एंटर करेगा यहाँ पे इन द पेरिस एग्रीमेंट, जो कि है अबाउट क्लाइमेट चेंज। बेसिकली इस एग्रीमेंट का मोटिव क्या है, जो यहाँ पे ग्रीन गैसेस है उनके एमिशन को रिड्यूस करना, तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को रिड्यूस करना, और अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको यहाँ पे कर देना लेस देन 2 डिग्री सेल्सियस। एंड ये एग्रीमेंट जो था गाइस 2016 में यहाँ पे बनाया गया था, भारत भी इसका मेंबर है। और यहाँ पे जो बाइडेन है जो उन्होंने डिसाइड किया यूएसए फिर से री एंटर करेगा इनटू दिस पेरिस एग्रीमेंट, तो यहाँ पे ये वन ऑफ द डिसीजन थे उनके। तो यहाँ पे एक और यहाँ पे जो न्यूज है उसके रिगार्डिंग वो ये है कि ऑन ईरान इट इज डिसीजन टाइम फॉर बाइडेन। तो यहाँ पे सारा वर्ल्ड यहाँ पे जो है वेट कर रहा है कि जो बाइडेन है, जो न्यू प्रेसिडेंट है यहाँ पे यूएसए के बाद जो बाइडेन, वो ईरान के ऊपर क्या डिसीजन लेंगे। इसके एक रिगार्डिंग आर्टिकल भी आया है आज के पेपर में, बहुत बड़ा आर्टिकल है ये। और बेसिकली ये मैटर क्या है यहाँ पे, जब यहाँ पे ईरान की बात हो रही है तो हम पहले थोड़ा सा पीछे भी जान लेते हैं ईरान के बारे में। ईरान में जो है गाइस यूरेनियम बहुत ही बड़ी मात्रा में पाया जाता है, तो यहाँ पे पूरे वर्ल्ड को यहाँ पे पूरी चिंता हो गई कि यहाँ पे ईरान इतने सारे यूरेनियम का करेगा क्या। आप जानते हैं कि यूरेनियम न्यूक्लियर मटेरियल है, यहाँ पे न्यूक्लियर मटेरियल से कुछ भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे सारे वर्ल्ड ने डिसाइड किया कि हम ईरान पे थोड़े बहुत सैंक्शंस लगाएंगे कि उसको इतना यूरेनियम रखना चाहिए इतना नहीं। तो उन्होंने सबने सैंक्शन लगाए यहाँ पे ईरान के साथ ट्रेड बंद कर दिया अपना पूरा। तो ईरान ने यहाँ पे डिसाइड किया
उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसको नाम दिया गया जीएसपीओए। इसकी फुल फॉर्म जो है वो है ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। और इसके रिगार्डिंग ये था कि ईरान इतनी मात्रा में यूरेनियम रखेगा अपने पास, तो ये अच्छा वाला चल रहा था। और ये एग्रीमेंट साइन किया गया था ड्यूरिंग द सेशन ऑफ बराक ओबामा। और उसके बाद हमारे नए राष्ट्रपति माने डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही अपने सत्ता में आए, तो उनका पता नहीं कोई पर्सनल प्रॉब्लम थी या क्या था यहाँ पे ईरान के साथ। उन्होंने कहा कि ईरान ये सही एग्रीमेंट को फॉलो नहीं कर रहा है, और उन्होंने अपने यहाँ पे इलेक्शन कैंपेन में भी कहा था कि मैं ये एग्रीमेंट गलत चल रहा है, मैं इसको ख़त्म करूँगा। तो जैसे ही वो ये सत्ता में आए तो उन्होंने कहा कि ईरान इस एग्रीमेंट को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उन्होंने यूएस को इस एग्रीमेंट में से बाहर कर लिया। और जो बाकी के यहाँ पे देश थे उनके साथ, उनको भी कहा कि आप इस एग्रीमेंट में से बाहर आ जाओ, लाइक ईरान के साथ ट्रेड बंद कर दो पूरा। तो ये बात यहाँ पे इंडिया पे भी आई थी, इंडिया ने भी ईरान के साथ थोड़ा सा ट्रेड, यहाँ पे जो रिलेशन थे ईरान के साथ यहाँ पे अच्छे नहीं रहे थे। तो यहाँ पे जो ईरान में हमारा एक पोर्ट भी था यहाँ पे शाबर पोर्ट, जिससे हम अपना सारा यहाँ पे ईरान से हम अपना तेल लेते थे। तो यहाँ पे जैसे ही हमने ईरान के साथ ट्रेड बंद किया, तो ईरान ने हमारे साथ वो तेल की जो थी हम इम्पोर्ट करते थे उनसे, वो बंद कर दिया। तो यहाँ पे हमारे काफ़ी प्रॉब्लम्स हुए थे उसके रिगार्डिंग। तो अब जैसे ही यहाँ पे जो नए राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन, तो यहाँ पे सारा वर्ल्ड देख रहा है कि क्या करेंगे वो यहाँ पे ईरान के यहाँ पे जीएसपीओए जो कि था हमारा ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो एग्रीमेंट था, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे क्या डिसीजन देंगे अपना। तो उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल आया था आज के न्यूज़पेपर में, इसको जरूर पढ़िएगा, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली 9th राउंड ऑफ टॉक हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, यहाँ पे 9th राउंड ऑफ टॉक जो है किस कंट्री, इंडिया और किस कंट्री के बीच में किया गया, तो इसका सही उत्तर है चाइना। चाइना और इंडिया के बीच में ये 9th राउंड ऑफ टॉक चल रहा है, और इसके रिगार्डिंग आप आर्टिकल भी देख सकते हैं, ये द हिंदू का ये आर्टिकल है, न्यूज कट आउट है ये। द 9th राउंड ऑफ कॉप्स कमांडर लेवल टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना वर अंडरवे ऑन संडे एट द मोल्डो बॉर्डर पर्सनल मीटिंग ऑन द चाइनीज साइड अपोजिट टू इन ईस्टर्न लद्दाख एज बोथ साइड अटेम्प्ट टू वर्क आउट अ फेस डिस्क एंगेजमेंट एंड द एस्केलेशन प्लान टू एंड द 9th स्टैंड ऑफ। बेसिकली इसमें डिस्कस किया जाएगा जो कि हमारे सरहदों पे इश्यूज चल रहे हैं गाइस, जैसे कि कई बार क्या होता है कि चाइना के जो सैनिक हैं हमारी तरफ आने का ट्राई करते हैं, बेसिकली उसके रिगार्डिंग ये सब चल रहा है डिस्कशन। तो इस आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा गाइस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ बर्ड हैज बीन कंफर्म्ड इन सुंदरबन बाय जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कितने यहाँ पे किस्म के बर्ड पाए जाते हैं सुंदरबन में, इसको जूलॉजिकल सर्वे के द्वारा पता कितने बर्ड हैं ये सर्वे के अकॉर्डिंग सुंदरबन में, ये आपको बताना है। तो गाइज ये हैं आपके चार ऑप्शंस, इसका जो सही उत्तर है वो है 428। इसके रिगार्डिंग आर्टिकल भी आया है आज के दी हिंदू न्यूज़पेपर में। सुंदरबन इज होम टू 428 स्पीसीज ऑफ बर्ड सेज जेडासाई जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो ये आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं। तो बढ़ते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये यहाँ पे आर्टिकल था, इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। इन एग्री क्रेडिट स्मॉल फार्मर्स आर स्टिल आउटसाइड द फेंस, जो हमारा खेती के जो पैसा देते हैं हम किसानों को कुछ भी खरीदने के लिए, उससे इन्होंने कहा है कि स्मॉल फार्मर आर स्टिल आउटसाइड, लाइक जो छोटे फार्मर है उनको अभी भी बैंकों से अच्छा लोन नहीं मिल रहा है, वो अभी भी जो है हमारे दूसरी बाहर की जो बैंकिंग है लाइक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन हैं उनसे ये लोन ले रहे हैं अभी भी। तो उनसे लोन लेने का क्या फायदा है गाइस, जैसे कि बैंकों पे ज्यादातर किसान जो है हमारे अभी भी यहाँ पे यकीन करते नहीं है। तो जो वो होते हैं जहाँ पे, अगर मैं बेसिक लैंग्वेज में बात करूँ, जो आढ़ती होते हैं हमारे, उनसे किसान लोन लेते हैं। तो उनसे लोन लेते हैं और वो आढ़ती उनको कहते हैं कि जैसे ही आपकी फसल आएगी तो ये लोन आप मेरा चुका देना, और वहाँ पे वो जो लोन देते हैं वो हाई इंटरेस्ट पे लोन देते हैं उनको। तो किसान उनसे लोन लेते हैं जिसके कारण किसान की अच्छी कमाई नहीं हो पाती है। तो बेसिकली ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है ये 1956 में बनी थी, और इनमें कोई भी डिपॉजिट नहीं होता, कोई भी चेक इशू नहीं करते ये लाइक बैंक्स, और ये सीधा बस लोन देते हैं और उसके बाद हाई इंटरेस्ट पे, और किसान से जो है जब किसान की फसल आती है तो किसान से वो पैसे ले लेते हैं। तो इसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल है गाइस, इसको पढ़ लीजिएगा। तो गाइस बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
एक और आर्टिकल है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। एक और न्यूज है, टू डाई इन आंध्र प्रदेश तेलंगाना डेज आफ्टर कोविड 19 शॉट। यहाँ पे ये आर्टिकल है रिगार्डिंग, जैसे ही यहाँ पे कोविड 19 के शॉट दिए, जैसे कि आप जानते हैं कोविड 19 ड्राइव चल रहा है हमारा, हम वैक्सीनेट कर रहे हैं जो कि हमारे सफाई वर्कर्स हैं, बेसिकली जो डॉक्टर हैं उनको हम वैक्सीनेट कर रहे हैं। यहाँ पे दो आदमी जो थे वो, उनकी मृत्यु हो गई यहाँ पे आंध्र प्रदेश में, ये यहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई थी गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल ऑन संडे। यहाँ पे जो सरकारी अस्पताल है वहां पे इनकी मृत्यु हो गई। ये आशा वर्कर थी बेसिकली, एक 42 ईयर ओल्ड। तो यहाँ पे आशा वर्कर्स जो थे उन्होंने यहाँ पे प्रोटेस्ट करने लगे वो इन द फ्रंट ऑफ हॉस्पिटल। तो ये उसके रिगार्डिंग आर्टिकल है, पढ़ लीजिएगा इसे। तो बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। चाइनीज यूजिंग इंडियन रोड्स फॉर ट्रेसपास। तो ये बेसिकली एक वीडियो वायरल हुआ था वहां पे, जो लोग रहते हैं वहां पे, जो चाहे यहाँ पे जो हमारी जो सरहद है वहां पे इंडिया और चाइना की, वहां पे जो लोग रहते हैं उन्होंने ये वीडियो वायरल किया है कि जो चाइना के लोग हैं वो इंडिया में आ रहे हैं, वहां पे कार पार्क कर रहे हैं इंडिया में, इंडिया की साइड, इंडिया की जमीन में वहां पे, और जो फौजी भी हैं चाइना के वो भी इंडिया में आ रहे हैं, तो इंडियन रोड से आ रहे हैं और वहां पे इंडिया की साइड पे कार पार्क कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ये वीडियो वायरल हुआ था और इसे कन्फर्म किया है वहां के लोगों ने। तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है यहाँ पे, जैसे कि हमारे रिलेशन चल रहे हैं चाइना के साथ, उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। तो गाइस पढ़ लीजिएगा इस आर्टिकल को। बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। मिलियन शॉट्स इन अंडर अ वीक। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे हमारा जो कोरोना की वैक्सीन का ड्राइव चल रहा है, हम लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल है कि कितने लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं हमारी इंडिया में। यूएसए में जो है यहाँ पे 20.54 मिलियन जो है डोजेस दिए जा चुके हैं इसके, यहाँ पे यूके में 6.33, इंडिया में 1.58 मिलियन जो है ये डोज दिए जा चुके हैं अभी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, पहले उनको वैक्सीनेट किया जा रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा वही वर्क करते हैं इन कोविड 19 कंडीशन। तो बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। अमिड द पेंडेमिक ग्लूम आर रिपब्लिक डिबेट लाइक नो अदर। तो जैसे कि आप जानते हैं हमारा कोरोना पेंडेमिक चल रहा है और कल हमारी 26 जनवरी है रिपब्लिक डे, तो वहां पे परेड जरूर होगी। तो इस बार जो परेड है वहां पे हमारे कोई भी चीफ गेस्ट नहीं होंगे, और ये हिस्ट्री में सेकंड टाइम है जब से इंडिया यहाँ हमारा आजाद हुआ है 1947 के बाद, कि हमारे सेकंड टाइम है जो कि कोई चीफ गेस्ट हमारे नहीं होंगे। इससे पहले ये कंडीशन हुई थी 1966 में हुई थी, जब हमारे यहाँ कोई भी चीफ गेस्ट नहीं था रिपब्लिक डे पे, उसके बाद ये कंडीशन आई है। और इस बार सिर्फ 25,000 लोग ही होंगे वहां पे जो इस परेड को देखेंगे ड्यू टू कोरोना। एंड जो है वहां पे जितने भी लोग आएंगे उनकी आईडीज चेक की जाएंगी और उनको एक स्पेशल लाइक कार्ड या टिकट दी जाएगी जिसको दिखाकर वो एंटर हो पाएंगे। तो यहाँ पे जो वहाँ की दिल्ली पुलिस है वहाँ पे, उन्होंने लोगों को कहा है कि प्लीज जो भी लोग हैं वो टीवी पे इस परेड को देखें और यहाँ पे जो है अवॉइड करें यहाँ पे वहाँ पे आने से। तो बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। और दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस, और हम कल मिलेंगे फिर से 26 जनवरी के हिंदू एडिटोरियल के साथ। और इफ यू लाइक आवर कॉन्टेंट प्लीज डू लाइक एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू गाइस।